गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई अभी हम हैं हैदराबाद में। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना हम कैसे कल हैदराबाद आए थे और क्यों आए थे। तो अभी टाइम हो गया कुछ 11:30। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए और शाम को हमारी फ़्लाइट है कुछ 6 बजे के आसपास। तो 11 से लेकर 6 तक यहीं हैदराबाद में घूमेंगे, कहीं नाश्ता करेंगे, कहीं कुछ खाएँगे पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलते हैं, अब आगे घूमते हैं हैदराबाद। तो अभी हम आ गए भाई एक अच्छे से प्यारे से रेस्टोरेंट में। हमने सोचा कि 12 बज गए हैं तो क्यों नाश्ता करने ही हो जाए, सीधा लंच कर लिया जाए, उसके बाद घूमा जाए। तो अभी आने वाला है हमारा मस्त वाला खाना और उसके बाद खाना खाते हैं और उसके बाद चलेंगे। और सूरज यहाँ अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं कुछ। दीपावली विश कर रहा हूँ सर। अरे हाँ, मैं तो सबको बोलना ही भूल गया भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये ऑटो में बैठे हुए और गर्मी है यहाँ बहुत ज़्यादा, तो कह रहा था कि भैया ऑनो ऑटो वाले ऐसे ऐसे चलते हैं सांप की तरफ। हम वही जब हमारी फैमिली की ये है चार मीनार का मेन एंट्री गेट और वो सामने अंदर चार मीनार है। और भीड़ तो भाई यहाँ तो रिकॉर्ड ही टूटे हुए हैं पूरे के पूरे। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि हम चांदनी चौक के सदर बाज़ार में आ गए। तो बस अब एक तो क्या है ना, हमारे पास ये सामान है, सामान लेके घूम रहे हैं और सूरज कहाँ चले गए तो वो आगे वीडियो बना रहे हैं, तो आगे चलते हैं भाई। सो गाइस, हम लोग चार मीनार के ऊपर जा रहे हैं और अभी तक हमारे पास सामान था वो हमने यहाँ पे जमा कर दिया। 45 रुपीज़ में हमारा बैग वहाँ पे जमा हो गया और अब 25 की टिकट लेके ऊपर जाएंगे हम। चार मीनार के ऊपर से पूरी लोकेशन देखेंगे, वो देखो वहाँ पे जाना है हमने। तो बस ऊपर जा रहे हैं, लाइन में लगते हैं। लाइन देख लो भाई, एंट्री वहाँ से है, टिकट भी वहीं पर मिलती है। और तो गाइस अंदर आ गए हम लोग, वहाँ से आए थे हम लोग टिकट लेके और ये इसकी एंट्री है यहाँ पर। और ऊपर देखो यार चार मीनार कैसा है। तो यहाँ से एंट्री है भाई चार मीनार की। सुरंग में जा रहे हैं, सुरंग में कैसे जाते होंगे इसके अंदर लोग, चार मीनार के अंदर गोल गोल सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। और देखो सामने जो गेट है वो बंद करे हुए, थक गए यार। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और ये रहा भाई चार मीनार का असली व्यू, ले लो सॉलिड व्यू आ रहा है। सुबह जब भी हम यहाँ पे खड़े और ये देखो भाई चार मीनार, और यहाँ से नीचे से वहाँ से एंट्री हुई थी हमारी। और ये कुछ ऐसे बना हुआ ऊपर, ये सब जगह से विंडो है छोटी छोटी। और यहाँ से फुल व्यू ऐसे आते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, भीड़ लगी हुई है ना कुछ ज़्यादा ही। और ये उसकी दूसरी साइड है, डर भी लग रही है, बहुत हाइट है यार। पीछे गली में पीछे मार्केट लगी है, पूरे पूरा हैदराबाद नज़र आ रहा है यहाँ से। पूरा तो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सो गाइस फाइनली चार मीनार भी देख लिया आज अपनी लाइफ में। हैदराबाद कभी आया नहीं था, आज हैदराबाद भी आ गए और चार मीनार घूम लिया और दो चार चीज़ें घूम ली। अब यहाँ से वापस ऑटो टैक्सी जो मिलती है पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत नीचे तक चलते हैं पहले, उसके बाद फिर एयरपोर्ट चलते हैं। जब लोग ऊपर आए थे वहीं से नीचे भी जाना होता है तो उसके लिए लाइन लगी हुई है। लाइन में लगे हो? लाइन में हम अभी वहाँ बैठे हैं ऑटो में, चार मीनार से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं भाई, और फिर उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे। 3 दिन आ रहे हैं, आलस आ रहा है। करें।
भाई आज सूरज को बहुत ज़्यादा ना डिहाइड्रेशन हो रही है पानी पी के, मतलब पानी पीने के लिए तो गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और ऑटो यहीं तक अलाउड होता है पता नहीं था, और बस ये सामने ही है डिपार्चर, वहाँ से हम लोग अपने एयरपोर्ट वाले सफ़र में निकल पड़ेंगे। फाइनली हमारा बोर्डिंग पास आ गया और अब हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बस एंट्री वेंट्री कराते हैं फिर चलते हैं। 5:34 हो गए और टाइम हमारा कट नहीं रहा है और जल्दी से बस बोर्डिंग हो जाए, शाम हो गई है। वो सामने देखो इंडिगो और विस्तारा लाइन अप हो रखी है, इंडिगो से तो शायद अभी उतरे हैं, विस्तारा में अभी जाने वाले हैं। और ये गाड़ी आ गई भाई की जो फ्लाइट को आगे पीछे लेके जाती है, ये वाली कैसा है ये, इसके टायर कितने बड़े हैं, अच्छा लग रहा हूँ जैसे वो नहीं होती हो जमीन पे लेटा हुआ सा लग रहा है। सो फाइनली गाइस बोर्डिंग हो गई और टाइम हो गया 6:13 और अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में। भीड़ लगी है पीछे, लाइन लगी पूरी की पूरी, लंगर बैठ रहा है आगे, लंगर गाइस फाइनली लैंडिंग हो चुकी है और दिल्ली पहुंच गए हम। सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और ना सामान ले रहे हैं लगेज से, यहाँ पे सामान आ रखा है हमारा 7 नंबर पे था, बस ये आने वाला है और इसके बाद बाहर जाके टैक्सी वैक्सी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर को। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए थे और अब रात के बज गए हैं कुछ 12:30, तो आज का दिन भाई हैदराबाद से यहाँ में निकला, साथ में 4 मीनार देखा और कैब में आए घूमा फिरा, फ्लाइट में आए, इंडिगो लेट भी हो गई थी। तो आई होप आपको आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।